जय हिंद। इस वीडियो में हम स्पेसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी पर बात करेंगे। आज से इसमें दोबारा लोअर सर्किट लग गया है, अर्थात शेयर प्राइस तक फिर नीचे जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि दोबारा इसमें अपर सर्किट कब लगेगा, ताकि जो लोग नहीं निकल पाए हैं वो निकल सकें। और साथ में यह भी बताऊंगा कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह कंपनी कितनी कारगर है हमें इसमें बने रहने के लिए, तथा नए लोगों के लिए एंट्री लेवल क्या रहेगी, हर एक चीज पर तसल्ली और तफसील से बात होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यह जो कंपनी है एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इसके नाम में एक्सपोर्ट्स लगा है, लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि यह कंपनी कंटेनर एक्सपोर्ट्स का काम करती है। इसके एक्सपोर्ट्स का कोई काम ही नहीं है। यह जो भी काम करती है सिर्फ भारत में काम करती है, और बनाती है कारपेट्स यानी कि दरी, चटाई वगैरह, और ट्रेवल एजेंसी का कंपनी काम करती है। साथ में आईटी सेक्टर से भी जुड़ी हुई है। इतना काम यह कंपनी करती है, लेकिन एक्सपोर्ट्स का धंधा नहीं करती है। अब समझेंगे मार्केट कैप 130 करोड़ रुपए। देखिए, शेयर प्राइस है 6.05 रुपए आज के दिन का शेयर प्राइस, और देखेंगे तो डाउन जा रहा है। क्यों डाउन जा रहा है? क्योंकि लोअर सर्किट लगा है, लगभग 5% का लोअर सर्किट लगा है, अर्थात शेयर प्राइस अब आज से नीचे ही जाएगा। अब समझिए, ये हाई लगा है 10 रुपए का, अर्थात इस कंपनी का शेयर प्राइस अधिकतम 10 रुपया है, यह ऑल टाइम हाई है। और ये हाई बनाया है इसी साल 10 जनवरी को। 10 जनवरी के बाद से शेयर प्राइस डाउन जाने लगा था, हालांकि अभी 15 मार्च से फिर इसमें अप ट्रेंड ग्राफ शुरू हुआ था। 15 मार्च से देखेंगे तो आज 29 तारीख है, लगभग 2 सप्ताह तक कंपनी का शेयर प्राइस अप ट्रेंड ग्राफ में रहा। अब समझिए, चूंकि पेनी स्टॉक है तो इसमें ऐसा नहीं कि जब अपर सर्किट लगेगा तो लगता है 1 माह 2 माह तक अपर सर्किट लगा ही रहेगा, हालांकि लगता है, लेकिन अभी अभी हाई बनाया है और दोबारा उठना शुरू हुआ था, तो एक ही अप ट्रेंड में लगता है 1 माह तक अपर सर्किट नहीं बना रह सकता, वरना तो फिर दोबारा एक नया हाई बना लेगा, और पेनी स्टॉक में इतना जल्दी जल्दी नया हाई नहीं बनता है। अभी आप देखेंगे तो जब ये उठना शुरू हुआ तो अभी भी टॉप से लगभग 40% डाउन ही है। अगर 40% डाउन नहीं रहता तो अपने लगभग हाई के करीब पहुंच गया रहता। तो ये फायदा ये होता है कि जो लोग भी 6 रुपए के ऊपर इस कंपनी के शेयर्स को बाय किए हैं उनको भी निकलने का मौका मिल जाता, लेकिन इसमें लोअर सर्किट लग गया है तो फिर वो लोग जो 6 रुपए इस ऊपर बाय किए हैं फंस गए हैं। लेकिन खैर, घबराने कोई बात नहीं, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि करना क्या है, समझेंगे। अभी समझिए, 15 मार्च जब इस कंपनी का शेयर प्राइस अपट्रेंड ग्राफ में गया, 2 सप्ताह तक कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता रहा, उस दौरान देखेंगे तो 1 सप्ताह का इसका रिटर्न लगभग 13% पॉजिटिव में आ गया है। 1 माह का रिटर्न भी इसका लगभग पॉजिटिव में आ ही जाता अगर 1-2 दिन और इसमें, मतलब एक लोअर सर्किट 1-2 दिन बाद लगता तब, लेकिन लोअर सर्किट आज ही लग गया, जिसके चलते 1 माह का रिटर्न सिर्फ 5% इसका नेगेटिव में है। 1 साल का रिटर्न 511% अभी भी पॉजिटिव में है। पर देखिए, कंपनी का फंडामेंटल है और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 6.57 रुपया है, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 7.17 रुपया। हालांकि अभी तो लोअर सर्किट लगा है तो शेयर प्राइस नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो सपोर्ट लेवल की बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो समझिए, इसका पहला सपोर्ट लेवल है 5.97 रुपया, और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 5.37 रुपया। यहां तक अगर आने के बाद भी शेयर प्राइस नहीं रुकता है तो यहां तक आ सकता है, लेकिन यहां तक आने के बाद शेयर प्राइस और नीचे जाएगा इसकी संभावना बहुत कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि RSI देखिए 46 आ गया है। और अगर ओवरऑल बात करें तो RSI अभी ऊपर ही जाएगा, और जब RSI ऊपर जाता है तो आपको पता है शेयर प्राइस भी ऊपर ही जाता है, इसलिए लोअर सर्किट लगा तो उसे डरना घबराना नहीं है। अब समझिए, अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, आप मतलब एक तो जरूरत का रुपया लगा के इस कंपनी के शेयर्स को बाय किए हैं, तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि जैसे शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, या प्रॉफिट नहीं भी बुक होता तो फिर भी जल्दी से जितना आप लागत लगाए हैं उस लागत को निकाल लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप समझेंगे। देखिए, अभी इस कंपनी के शेयर्स को 88% लोग बाय करने के लिए कह रहे हैं, और सिर्फ 12% लोग ही इसको होल्ड करने के लिए कह रहे हैं, जबकि पिछले बार मैंने इसके ऊपर जब वीडियो बनाया था तो उस समय 100% एनालिस्ट इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए सिर्फ 88% ही, मतलब लोगों का इस कंपनी के प्रति रुचि कम होता जा रहा है, उनका इंटरेस्ट इस कंपनी के प्रति कम हो गया है, लोग इस कंपनी से दूर भाग रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है इसको मैं बताऊंगा वीडियो में। फिलहाल आप ये समझिए कि जो कंपनी का फंडामेंटल है, फंडामेंटल मस्त है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, अर्थात क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी कंटिन्यूअस क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर जिसको शॉर्टकट में EPS कहते हैं, यह भी देखेंगे तो कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है, मतलब फंडामेंटल जैसा होना चाहिए उससे भी कई गुना अधिक लेवल की इसका फंडामेंटल है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। असेट्स यानी कि कंपनी की जो खुद की संपत्ति होती है वह लगभग 76.5 करोड़ की है, और यह भी देखेंगे तो बढ़ते जा रहा है। और रिजर्व यानी कि जो कंपनी के जो पास कैश पैसा होता है तो वह लगभग 12 करोड़ का है। अब चूंकि यह एक पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक के पास मतलब 100-200 करोड़ का रिजर्व नहीं होता है, पेनी स्टॉक के हिसाब से इसका जो रिजर्व है ठीक है। अच्छी बात यह कि रिजर्व भी देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कर्जा है कंपनी के ऊपर सिर्फ 9 करोड़ का, तो कर्जा कुछ खास मायने नहीं रखता, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और असेट भी कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसके लिए 9 करोड़ का कर्जा कुछ खास मायने नहीं रखता। दिक्कत यह है कि कुछ समय पहले इस कंपनी ने शेयर स्प्लिट किया था और बोनस शेयर भी दिया था, तो जब भी कोई कंपनी शेयर स्प्लिट करती है या बोनस शेयर देती है तो उसके शेयर प्राइस में थोड़ा डाउन आता है, तो इससे डरना घबराना नहीं है। दिक्कत यह है कि एक पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक फंडामेंटल के बदौलत नहीं चलते। मैं बार बार कहता हूँ पेनी स्टॉक चलते हैं मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, कितने लोग उसके शेयर्स को चाहने वाले हैं।
तो ये इसकी बदौलत पेरी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और कम होता है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं और अगर आप लॉस पे हैं तो लॉस में मत बेचिए, घबराने की कोई बात नहीं, कंपनी ठीक है, फंडामेंटल भी ठीक है, बिजनेस मॉडल भी ठीक है, तो आप तब तक बने रहिए जब तक आपको प्रॉफिट ना हो जाए, और जब प्रॉफिट होगा उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करके कंपनी से निकल जाइए। क्योंकि पेनी स्टॉक में लॉन्ग टर्म जैसा कोई शब्द नहीं होता, इसमें आप ये मत सोच करें कि इसमें मुझे 4 साल 5 साल 10 साल तक बने रहना है, बिल्कुल नहीं, तभी तक बने रहिए जब तक आपको प्रॉफिट ना हो। और जो नए लोग इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो देखिए अभी आरएसआई लगभग 50 के आसपास चला गया, आरएसआई जब 30 के आसपास आ जाएगा वहां पर आप एंट्री लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इस लेवल पर अभी आप एंट्री मत लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मन में कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।